फाइंड कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है इन दो नंबरों का। हमारे पास जो नंबर है, एक नंबर तो ये है 14PQ और एक नंबर हमारा ये है 28P²Q²। आपको इनको तो ऐसे ही रखना है जैसा है, बस हमें नंबर के ही टुकड़े करने हैं। सबसे पहले लेते हैं हम यहां पर 14 और इधर लेते हैं हम 28। हमें फैक्टर निकालना है तो हमें ऐसे नंबरों का इसमें डिवाइड करना है जो प्राइम नंबर हो। जैसे अगर मैं लेता हूं यहां पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे नंबर ही काम लेने हैं जो प्राइम नंबर हो, जो किसी भी टेबल के अंदर नहीं आते हैं, या जिसके टुकड़े करने पर, जैसे टुकड़े करेंगे इसके, इसमें केवल 1 और 11 का ही डिवाइड जाता है, इसमें केवल 2 नंबर का ही डिवाइड जाता है, वही उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब हम जैसे यहाँ पर इसमें 2 का डिवाइड जाएगा तो देते हैं 7 बचेगा, 7 ये रहा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड कर दो, यहाँ पर बस यही नंबर यूज में लेने, तो उसमें 2 है तो 2 का डिवाइड जाएगा 14 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। अब यहां पर हम लिखते हैं 14 का मतलब होता है ये 2 × 7, फिर इसमें P भी है आपके और Q भी है। अब लेते हैं इसके बारे में 28 का मतलब यहां पर लिखा हुआ है 2 जो है वो आपके स्क्वायर में है, मतलब 2 जो है ना वो आपके 2 टाइम है, और फिर 7 आपके 1 टाइम है। इसमें P और Q है, इन पर भी पावर है, तो पावर में ही लिखना है P का स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर। नंबर को नंबर से मिलाना है, 2 को 2 से मिलाना है, 7 को 7 से मिलाना है, P को Q से मिलाना, P को P से मिलाना है। अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है कॉमन फैक्टर। अब देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, लेकिन हमें कॉमन लेना है। इधर 2 टाइम है बट इधर 2 टाइम नहीं है, इधर 1 टाइम है तो इधर भी 1 टाइम तो है ही, तो जो पावर कम है ना उसको लेना है। पावर 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, पी इधर भी है, पी इधर भी है, पावर कम लेना है, मतलब 1 पावर लेना, क्योंकि अकेला पी इधर भी है और अकेला पी इधर भी है, डबल है लेकिन एक बार तो है ही है, क्यों इधर एक बार है इधर 2 बार है, तो 1 टाइम तो है ही है। ये नंबर ऐसे हैं जो इधर भी है और इधर भी है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है 7 × 14, पी भी आएगा एंड क्यू भी आएगा।